Good morning students. So myself Manjeet, your science teacher. Today we continue chapter number 3, gravitation, and today we will discuss about Newton's inverse square law, free fall and gravity. So let's start. So students, हमने अपने last lecture में देखा है बच्चे Newton's law of gravitation के according force क्या gravitational force. Gravitational force is always inversely proportional to r square. And what is r square? Let us assume one body एंड टू. हमने दो बॉडीज़ को एज्यूम किया बच्चे, वन एंड टू. इन दोनों बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं आर. सो इनके बीच के डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्लियर? और इसी को हम बोलते हैं बच्चे न्यूटन्स इन्वर्स स्केयर लॉ. क्लियर? सो इसको प्रूव करने के लिए हम अज्यूम करते हैं, हम यूज़ करेंगे कैपलर्स लॉ का. सो हम अज्यूम करते हैं कोई भी प्लैनेट है जिसका मास एम है, वेलोसिटी उस प्लैनेट की है वी. ये वी वेलोसिटी वो वेलोसिटी है बच्चे जिसकी हेल्प से कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है. क्लियर? एंड आर इज़ द सेमी मेजर एक्सिस. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब कैपलर्स के लॉ हमने रीड किया वहाँ पर मैंने बताया आपको ये क्या होती हैं एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस. क्लियर? सो आर इज़ द सेमी मेजर एक्सिस. इफ़ ऑर्बिट इज़ स्मॉल, तो यहाँ पर हमसे बोल रहे हैं कि अगर वो ऑर्बिट स्मॉल है, ये वाला जो हम ऑर्बिट कंसिडर करते हैं वो स्मॉल है, इट मीन्स दैट मेन डिस्टेंस बिटवीन द प्लानट एंड द सन इज कैन बी टेकन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. मतलब क्या है कि जो ये ऑर्बिट है ये इतना स्मॉल है कि जो आपका प्लानट है, मान लिया यहाँ पर प्लानट है और यहाँ पर जो है वो सन है, तो वो इतना स्मॉल है. सन को हम थोड़ा दूर ले लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं ये सन है क्योंकि कैपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करते, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते. तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा सन है और ये हमारा प्लैनेट है. तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर ऑर्बिट इतना स्मॉल है कि ये ऑर्बिट इतना स्मॉल है कि इसकी जो रेडियस है वो सर्कल की रेडियस के इक्वल है. अगर इसकी रेडियस सर्कल की रेडियस के इक्वल है तो यहाँ पे हर जगह पे इसकी जो रेडियस है वो सर्कल की रेडियस के इक्वल हो गई. सो इट मीन्स दैट जो हमारे पास प्लैनेट है वो एक सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड. क्लियर? अगर ये सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स होगा जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन के अंदर रिवॉल्व करता है. सो सेंट्रिपिटल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वेर एम इज़ द मास ऑफ द प्लैनेट. क्लियर? और मास प्लैनेट का हर जगह पे सेम रहेगा, सो हम बोल सकते हैं एम इज़ कॉन्स्टेंट. क्लियर? अगर एम कॉन्स्टेंट है तो जैसे हम कोई भी इक्वेशन जिस टाइम करते हैं इन्वर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कॉन्स्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं और फिर बोलते हैं कि ये आपका क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. सो यहाँ पे अगर एम आपका कॉन्स्टेंट है तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा के. सो इस इक्वेशन को मैंने नेम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके? देन हमारे पास इफ टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट, अगर टी टाइम के अंदर जो प्लैनेट है वो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी. फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. और अगर ऑर्बिट सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट की डिस्टेंस कितना होगा, उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल. सर्कमफ्रेंस क्या होती है, टू पाई आर डिवाइड बाई टी. सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी इज इक्वल टू टू पाई आर डिवाइड बाई टी. हेयर टू पाई इज कॉन्स्टेंट, टू पाई कॉन्स्टेंट है. सो जो अभी हमने इक्वेशन निकाली वो क्या है, टू पाई आर डिवाइड बाई टी. टू पाई कॉन्स्टेंट है क्योंकि टू आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 डिवाइड बाई 7. सो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जस्ट आर एंड टी. सो वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाई टी. क्लियर? सो फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारे पास बच्चे, जिसको हमने फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम किया है, यहाँ पे वी का स्केयर है. सो इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ रिजेंबल करने के लिए हम इस इक्वेशन को भी स्केयर करेंगे. सो जो आपकी ये इक्वेशन आई है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बाई टी, इसको हम स्केयर करेंगे, बोथ साइड स्केयर होगा. सो हमारे पास आएगा वी स्केयर आर स्केयर टी स्केयर. क्लियर? अब इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे आर एंड आर से, मतलब आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से ही डिवाइड करेंगे. देन हमारे पास क्या आया,
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने कैप्लर का थर्ड लॉ डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपका वी स्केयर और टी वी और टी के बीच में कुछ रिलेशन था, आर और टी के बीच में रिलेशन था, वो रिलेशन हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है। सो हमने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई किया एंड आर से डिवाइड किया। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आता है, आर क्यूब, आर स्केयर आर से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा, आर क्यूब, एंड टी एंड आर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, टी स्केयर एंड आर। क्लियर? एंड नाउ अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स थर्ड लॉ हमने डिस्कस किया था, आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? यही इक्वेशन हमने रीड की थी, आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्केयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो यहाँ से हमारे पास क्या है, आर क्यूब डिवाइड बाई टी स्केयर, ये वाली टर्म, तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट के इक्वल है, तो यहाँ पे भी एक कॉन्स्टेंट आ गया। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, वी स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी स्केयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई, सॉरी, वी स्केयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर? सो इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर हमारे पास क्या आया, जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास एक ऐसी ही रिलेशन थी वी स्केयर की, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास था एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से हमारे पास क्या आता है, दोनों इक्वेशन को राइट कर लेते हैं बच्चे, हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये है और सेकंड हमारे पास क्या है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी स्केयर एंड इनवर्सली है आर स्केयर के। तो वन मिनट, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्केयर एंड आर। सो यहाँ से हमारे पास क्या है बच्चे, देखो वी स्केयर इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट एंड वन बाई आर। सो इस वी स्केयर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इस वाली वैल्यू में वी स्केयर की वैल्यू अगर पुट करते तो हमारे पास क्या आता है, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर ऑलरेडी है एंड इस वी स्केयर की वैल्यू क्या है, वन बाई आर। सो वन बाई आर मल्टीप्लाई वन बाई आर। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्केयर। क्लियर? सो इट मीन्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्लियर? एंड अगर हमने न्यूटन ने जो इनवर्स लॉ दिया है वो हम रीड कर पाए हैं बच्चे, उसको हम प्रूव कर पाए हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटेशन लॉ एंड कैपलर्स लॉ। अगर कैपलर्स ने ये लॉ नहीं दिया होता थर्ड लॉ, तो बिना उसकी हेल्प के हम इस लॉ को प्रूव नहीं कर पाते। क्लियर? सो दस इट वॉज द कैपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच गेव एन आइडिया टू न्यूटन टू फॉर्मुलेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चे ग्रेविटी, जो ऑलरेडी मैं आपको ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में करवा चुकी हूँ। सो रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स है किसी भी एक प्लैनेट के बीच में एंड एक बॉडी के बीच में। क्लियर? जो हैवी बॉडी होती है वो लाइटर बॉडी को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी एक स्पेशल केस है ग्रेविटेशन का, और ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, एंड इफ वन बॉडी आउट ऑफ द टू बॉडीज इज अर्थ, अगर दोनों में से एक आपकी बॉडी अर्थ है तो उस फोर्स को हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स या फिर ग्रेविटी। देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी इज नोन एज ग्रेविटी। क्लियर? सिर्फ उस टाइम बोलेंगे ग्रेविटी जिस टाइम अर्थ होगा, अगर हमारे पास एक बॉडी अर्थ है तो उस टाइम हम बोलेंगे उसको ग्रेविटी, बट अगर हमारे पास एक भी बॉडी जिन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उनमें से एक भी बॉडी हमारे पास अर्थ नहीं है तो उस टाइम हम उसको ग्रेविटेशन फोर्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था टॉपिक है बच्चे फ्री फॉल। सो फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल का मतलब बच्चे किसी भी बॉडी को हम फ्रीली मूव करवाते हैं कहीं से भी जिसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट हो गया, फिर हम ये बोल सकते हैं वो बॉडी जिसके अंदर जो मोशन है वो ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स होता है, सो उस टाइम पे उस बॉडी को हम बोलते हैं फ्री फॉल बॉडी या फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ बॉडी फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ अलोन देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ कंडीशन ऑफ अ फ्री फॉल एंड द बॉडी इज नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। या फिर हम सिंपली इसकी जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं बच्चे, द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड द अर्थ अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ
एंड सच्चा बॉडी इज कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग बॉडी। कोई भी जो बॉडी है उसको किसी भी हाइट से अगर हम फॉल करवाते हैं तो वो जो बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है विद द हेल्प ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। सो उस टाइम पे जो बॉडी है उसका जो मोशन होगा वो फ्रीली फॉलिंग मोशन होगा। बट जिस टाइम भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चे फॉल करवाते हैं तो वहाँ पे लाइक ये बॉल है, इसको मैंने किसी भी हाइट से फॉल करवाया, इसको मैंने गिराया, तो जो ये बॉल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों करती है? क्योंकि जो अर्थ है वो उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करती है। बट आपने देखा है कि जहाँ पे भी मोशन होता है उसके अगेंस्ट एक फोर्स और एक्सर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। बट ये जो बॉल है ये अभी एयर में है तो अर्थ इसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन एक्सर्ट नहीं करेगी। सो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन एक्सर्ट करेगा? वो एक्सर्ट करेगी एयर। एंड एयर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं बच्चे एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, क्लियर? सो अ फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो एक्ट ऑन दिस फ्रीली फॉलिंग बॉडी विच इज एक्सर्टेड बाई एयर एंड नोन एज एयर रेजिस्टेंस। ओके, बट जो मोशन है बॉडी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जस्ट ग्रेविटी की वजह से ही होगा। क्लियर? सो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्रीली फॉलिंग बॉडी या फिर फ्री फॉल, ग्रेविटी एंड न्यूटन इनवर्स लॉ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।